हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पूजा सेठ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारी मॉडल को, तो इनके काफ़ी सारे डार्क स्पॉट थे, जैसे कि नोज़ एरिया पे, फोरहेड एरिया पे, और इनकी थ्रेडिंग भी काफ़ी पतली थी। डार्क सर्कल भी इनको थोड़े थोड़े से थे। वैसे तो हमारी मॉडल काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन मेकअप के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए देखते हैं कि क्रालान सुप्रा बेस के साथ ब्राइडल मेकअप कैसे करते हैं, जो कि फ्लॉलेस लुक देने के साथ ही लॉन्ग लास्टिंग और हाई कवरेज भी है। और इससे ब्राइडल मेकअप आज हम करेंगे, और इनके जितने भी स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से हाइड हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे अचीव किया है। होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा। जैसा कि आप मेरी मॉडल को देख रहे हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख सकें कि दोनों में कितना डिफरेंस है और किस तरह से आप इस लुक को अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं बहुत सारी अपलोड करती हूँ तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो ये है हमारी मॉडल और इनके फेस पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं। मैंने फेस को पहले क्लिंजिंग मिल्क से क्लीन कर लिया था, और उसके लिए मैंने यूज़ किया था लोटस का क्लिंजिंग मिल्क। एंड उसके बाद अब मैं यूज़ करी हूँ फेस प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये है फैशन कलर का फेस प्राइमर। और इसे आपको लिटिल बिट लगाना है फेस में और पूरे फेस पे अच्छे से एप्लीकेशन करना है और इसे एब्जॉर्ब करा देना है। इससे जो भी ओपन पोर्स होंगे वो बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाएंगे, तो आपकी स्किन बहुत ही सुपर सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप बेस वगैरह एप्लीकेशन करेंगे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होगा, तो ये लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यूज़ किया है बायोटिक का ये लिप बाम, जो कि इनके ड्राई लिप्स को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। एंड उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का ये प्रो कंसीलर है, जो कि ऑरेंज करेक्टर है, और इस ऑरेंज करेक्टर से मैं इनके जितने भी स्पॉट्स हैं उसे हाइड करूँगी। जहाँ जहाँ भी आपको डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल दिखाई पड़ता है, वहाँ वहाँ आप इससे बहुत अच्छे से उस स्पॉट को हाइड कर सकते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि आप जब भी ब्लैक स्पॉट्स हो तो उसे ऑरेंज करेक्टर से ही करेक्ट करें और हाइड करें, ताकि वो कलर बिल्कुल सही और इवन दिखाई पड़े। और इसे ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि स्किन बिल्कुल इवन सी हो जाए। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो इनके डार्क स्पॉट थे वो कवर हो गए हैं, तो ब्लेंडिंग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर देंगे। अब मैंने लिया है क्रेलॉन का ये सुप्रा कलर बेस पैलेट, और इसमें ये जो शेड था मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि वीडियोस हम लोग पहले बनाते हैं और वॉइस ओवर बाद में करना होता है, तो बिल्कुल याद नहीं रह जाता कि कौन सा शेड यूज़ किया है। फ़िलहाल मैं इसका शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट के डिटेल डालती हूँ, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सारे प्रोडक्ट के लिंक और उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो इसे आपको इस तरह से ऑल ओवर फेस पे, नेक पे आपको लगा लेना है, और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग करते समय बहुत खास ध्यान रखें, जितने अच्छे से आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट रहेगा, तो आपको कोई भी एरिया अवॉइड नहीं करना है और बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और अब मैंने लिया था सिवाना का ये कलर पैलेट, और इसमें जो सबसे डार्क पिगमेंट था यानी कि डार्क ब्राउन, उससे मैंने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया है। और इनकी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा पतली थी, तो थोड़ा सा उसे बोल्ड किया है, क्योंकि ये सारे एफर्ट्स आप कर सकते हैं ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसे बोल्ड किया था। आईब्रोज़ को शार्पनेस देने के लिए और आईलिड को और ज़्यादा इन्हेंस उसके कलर को करने के लिए मैंने ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर लिया है, जो कि प्योर बेस कलर में है। और इस तरह से आपको एक ब्रश की मदद से आईब्रोज़ को और भी ज़्यादा शार्पनेस देने के लिए यूज़ करना है, और आईलिड पे भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि आईलिड के कलर और इन्हेंस हो, और जो भी आप उसके ऊपर पिगमेंट लगाएं, जो भी आई शेडो लगाएं, उसका कलर बिल्कुल उभर के आए। तो इस तरह से आईब्रोज़ को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ एक ब्रश की मदद से। तो अभी आप देख सकते हैं कि आईब्रोज़ इनकी कितनी अच्छी लगने लग गई है। तो ऐसे छोटे छोटे से एफर्ट्स होते हैं जो हम लोगों को अपने क्लाइंट्स के ऊपर करना पड़ता है,
अपनी वुड बी ब्राइड के ऊपर करना पड़ता है। बहुत सारे हम लोगों को कमेंट्स आते हैं कि ब्यूटिशियंस जो है वो धोखा करते हैं, वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डियर आप ये सोचिए कि जिस डे में हमारे यहाँ ब्राइड आती हैं अपने स्पेशल डे पे रेडी होने के लिए, तो ऐसे में हम उनकी ब्यूटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका वो स्पेशल डे है, उसमें हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ उनकी जो अपनी ब्यूटी है उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत किया करें, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है इस तरह के कमेंट्स को पढ़ के। तो अब मैं इसे सेट कर रही हूँ क्रेलॉन के फिक्सिंग पाउडर से, और इसे सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आईज़ ओपन और क्लोज़ करने पर क्रीज पड़ने लग जाती है। तो जब भी आप इसे लगाएं उसके बाद इसे सेट ज़रूर करें किसी भी लूज़ पाउडर से, किसी भी फिक्सिंग पाउडर से। तो यहाँ पे मैं क्रेलॉन का ही फिक्सिंग पाउडर या लूज़ पाउडर जो भी आप कहें उससे मैं इसे सेट कर रही हूँ, और पूरे बेस को जहाँ पे भी मैंने बेस लगाया था उसे भी मैं पूरी तरह से सेट कर दूँगी ताकि हमारा बेस अच्छी तरीके से सेट हो जाए। एंड उसके बाद अब मैंने इसी पैलेट से ये शेड लिया है और इसे क्रीज एरिया पे इस तरह से लगा रही हूँ, और बहुत अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है। आई शेडो लगाते वक्त भी ख़ास ध्यान रखें, आप जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आई शेडो लगेगा, उतनी ही अच्छी मिक्सिंग के साथ दिखाई पड़ेगा, उतना ही नेचुरल दिखाई पड़ेगा। तो फिर मैंने ये शेड पिक किया था और इसे भी क्रीज एरिया के बाहर बाहर ही मिक्सिंग करते हुए यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने लिया है ये थोड़ा सा ग्रे शेड में है और ब्लैकिश ग्रे है, और इसे मैं आउटर कॉर्नर पे केवल यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ी सी आईज़ को डेप्थ देना है इसलिए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से सिर्फ आउटर कॉर्नर पे। और ब्लेंडिंग फिर से आपको बहुत अच्छे से एक अदर ब्रश से कर देनी है ताकि तीनों जो भी शेड्स आपने लगाए हैं वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए। एंड अब मैंने लिया है ब्यूटी ग्लेज का ये आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैंने ये शेड पिक किया था जो कि पर्पल शेड में है, और इनके लहंगे का कलर पर्पल एंड डार्क पिंक शेड में था, तो मैं कुछ कुछ वैसे ही शेड्स में इनकी आई शेडो लगाने वाली हूँ। और अभी मैंने इसी पैलेट से लिया है ये ब्लैक शेड और इसे आउटर कॉर्नर पर और भी ज़्यादा डेप्थ देने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और फिर से मैंने थोड़ा सा पिंक शेड लिया था, डार्क पिंक शेड, और इसके ऊपर जहाँ पे हमने अभी पर्पल शेड लगाया था, ब्लू शेड लगाया था, वहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और फिर मैंने लिया है एलेगल का कंसीलर और एक अदर ब्रश की मदद से मैं टियर डक्ट की तरफ थोड़ा सा इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए और उसके आईज़ को हाईलाइट करने के लिए, टियर डक्ट को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर से इसे आपको अच्छे से ब्लेंड कर देना है और उसके बाद लूज़ पाउडर से सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ हाइलाइटर जो कि आईज़ को बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है और बिल्कुल आपकी आईज़ को हाईलाइट करने वाला है। और इसी हाइलाइटर को मैं ब्रो बोन पे भी यूज़ करने वाली हूँ, और ब्यूटी ग्लेज के ही पैलेट से मैंने वो यूज़ किया था। और अब मैंने क्रेलॉन का ही ये केक आईलाइनर लिया है और इससे थोड़ी सी बोल्ड लाइन देते हुए मैं आईलाइनिंग करूँगी। आईलाइनिंग करते समय ये ध्यान रखें कि आप आईज़ को ध्यान में रखते हुए आईलाइनिंग करें, अगर आईज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो बहुत बोल्ड लाइन ना करें, इनकी आईज़ थोड़ी सी छोटी थी इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसे बोल्ड किया है ताकि आईज़ इनकी बड़ी दिखाई पड़े। मुझे बाद में लगा कि थोड़ा सा इनको और बोल्ड करना चाहिए तो मैंने थोड़ा सा एक लाइन और इसे बोल्ड कर दिया था। टियर लाइन पे मैं एक विंग देने वाली हूँ लेकिन सिर्फ कॉर्नर से ही मैं दूंगी। मैंने जो विंग दिया है ये सिर्फ कॉर्नर पे मैंने दिया है, और बाकी की टियर लाइन पे मैं मैट फिनिश में जो सिवाना पैलेट है उससे ये डार्क शेड ले रही हूँ और उसे इस तरह से मर्ज करते हुए लगाने वाली हूँ। इससे आईज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, रियली मानिए डियर, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये ट्रिक काफ़ी अच्छा है। अब मैंने आईलैशेस लगा दिया था और अभी मैं इसी पैलेट से कंटूर करने वाली हूँ, और इससे मैंने जो शेड लिया है वो थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंज शेड है और पाउडर फॉर्म में है।
मैं इसमें कोई क्रीम लिक्विड या कोई इस तरह की जो स्टिक वाली आती है कंटूरिंग, वो यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और ब्लशर के लिए भी मैंने ब्यूटी ग्लेस्ड पैलेट से ही ये पिक किया था कलर, जो कि पिंक शेड में है। हाइलाइटर के लिए मैंने सिवाना का ये पैलेट, सॉरी ये सिवाना का नहीं है, ये स्विस ब्यूटी का है शायद। आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ भी हाइट्स है वहाँ वहाँ पर आप इसे यूज़ कर लेंगे। रेडी होने के बाद मेरी मॉडल बोल रही थी कि मैं कुछ कुछ भूमि पेडनेकर की तरह लग रही हूँ, और रियली मुझे भी ऐसी ही कुछ लग रही थी ये। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को इनका चेहरा भूमि पेडनेकर के जैसा लग रहा है, क्योंकि मेकअप के बाद इनका लुक बिल्कुल से चेंज हो गया था। तो जहाँ जहाँ भी हाइट्स थी मैंने वहाँ वहाँ पर ये हाइलाइटर यूज़ कर दिया, जैसे कि चिक बोन्स पे, फॉरहेड पे, नोज़ एरिया पे, चिन पे एंड अपर लिप्स पे। टियर डक की तरफ थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने फिर से यूज़ किया था, ताकि आईज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़े। और अब मैंने मस्कारा के लिए यूज़ किया है मियोन का ये वैल्यूमाइज मस्कारा, और काफ़ी अच्छा मस्कारा होता है। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में आप लोग इसे यूज़ करते हुए देखते होंगे। और अभी मैंने यूज़ किया है कलर एसेंस का ये लिपस्टिक, जो कि शेड नंबर मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेकअप को फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। एंड फाइनली आप मेरी मॉडल का ये लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लग रही थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आई होप सो आप लोगों को भी मेरा आज का ये वीडियो और ये जो लुक है, जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल लगता हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि ऐसी ही जितनी वीडियोस मैं डालती जाऊं आपको मिलती जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।